नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और अभी कोरोना काल चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो काफ़ी सारे लोगों को केवाईसी अपडेट करना है लेकिन ब्रांच विजिट नहीं कर सकते। इसलिए बैंक ने फैसिलिटी दिया है कि आप घर बैठे अपना केवाईसी अपडेट कर दीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आपको ये प्रोसेस करना है, कैसे अपडेट करना है केवाईसी। मेल थ्रू, आप मोबाइल नंबर थ्रू भी अपडेट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल और एकदम इजी प्रोसेस है। मैंने आपको आगे जैसे बताया था कि आप रजिस्टर मेल आईडी थ्रू कर सकते हो। अगर आपकी मेल आईडी रजिस्टर नहीं है अकाउंट में और खाली मोबाइल नंबर है तो भी हो जाएगा, और आप खुद भी जाके करवा सकते हो ब्रांच, और कोई भी नज़दीक की कोई भी ब्रांच अगर आपको पड़ती है तो वहाँ जाके भी करवा सकते हो। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको रजिस्टर मेल आईडी से करना है, तो रजिस्टर मेल आईडी से सिंपल आपको आपकी बैंक को मेल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मेल टाइप कर लिया है इंग्लिश में, आप हिंदी में भी कर सकते हो। मैं वीडियो में आगे बता दूंगा हिंदी में कैसे मेल करना है। आपकी जो पासबुक होगी उसके फर्स्ट पेज पे मेल आईडी लिखा होगा, वो मेल आईडी पे आपको सिंपल मेल कर देना है। क्या मेल करना है? टू द बैंक मैनेजर, आपकी ब्रांच का नाम, आपकी बैंक का नाम, बैंक ऑफ बड़ौदा ये ब्रांच है, डेट ये कौन सी, रिस्पेक्टेड सर मैनेजर, सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप का है। ये आप देखो, यहाँ पे सिंपल हम चले जाते हैं टू द बैंक मैनेजर, रिक्वेस्ट लेटर फॉर केवाईसी अपडेशन, माय अकाउंट नंबर इज, आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, कोरोना की वजह से नॉट पॉसिबल टू अटेंड ब्रांच, में हम ब्रांच नहीं आ सकते। आई वुड लाइक टू सबमिट माई केवाईसी डॉक्यूमेंट वाया मेल, मैं मेल के द्वारा मेरा केवाईसी करवाना चाहता हूँ। ठीक है, हो जाएगा। आई एनक्लोज विथ हियर बाय पान कार्ड एंड आधार कार्ड, मैंने इसके साथ पान कार्ड और आधार कार्ड शामिल किया है, बस इतना ही लिखना है और कुछ कुछ नहीं है। आई होप आप केवाईसी अपडेट कर दीजिए नीडफुल, थैंक यू। आपका यहाँ पे नाम और अकाउंट नंबर लिख देना है, सिंपल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पान कार्ड और आधार कार्ड स्कैन करना है। स्कैन मतलब आप एक ब्लैंक पेज पे रखिए, उसके नीचे साइन कर दीजिए, फिर एक फ़ोटो ले लीजिए उसकी, उस वो स्कैन कॉपी चलेगी। आपको सिंपल स्कैन करना है और कुछ नहीं करना है। काफ़ी सिंपल है, आपने देखा तो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपका ईमेल आईडी बराबर लिखना है। अगर मेल आईडी नहीं है आपके खाते में तो आपको क्या करना है? मेल आईडी नहीं है आपके खाते में तो सिंपल यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देनी है, माय रजिस्टर मोबाइल नंबर इज करके, ये आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी है रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है, भले आपका मेल आईडी अपडेट नहीं हो तो चलेगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए तो आप फिर भी मेल से कर सकते हो। तो ये हो गया ये प्रोसेस। अगर ये कुछ भी नहीं है, मेल आईडी रजिस्टर भी नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो फिर आपका ये नहीं होगा, तो फिर ब्रांच ही होगा। जनरली मोबाइल नंबर तो आजकल तो सबके खाते में होता है। अभी हम देख लेते हैं हिंदी में कैसे है। हिंदी में काफ़ी सिंपल है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे शाखा जो भी है, केवाईसी अपडेट करवाना है मेरे को। श्रीमान जी, मेरा बचत खाता नंबर, यहाँ पे आपको अपना बचत खाता नंबर लिख देना है, जो भी है बचत खाता नंबर यहाँ पे लिख दीजिए आप। 14 डिजिट का अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर लिख दीजिए। खाते की केवाईसी अपडेट करवाना चाहता हूँ, पत्र के साथ मैंने अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और पान कार्ड अटैच किया है, जो मैं पते पे रहता हूँ। आपको अनुरोध है कि आप मेरे खाते में केवाईसी अपडेट कर दी जाए, आपकी कृपा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पान कार्ड और आधार कार्ड अटैच कर दिया है, धन्यवाद, और आपका नाम लिख देना है। काफ़ी सिंपल और एकदम ईजी प्रोसेस है। अभी ब्रांच में हम विजिट नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये बैंक ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि आप अपने घर बैठे केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। काफ़ी सिंपल है। इस तरह से आप मेल, यहाँ से मेल में ये टाइप करके यहाँ से आप देख सकते हो ये अटैच डॉक्यूमेंट, यहाँ से अटैच करके अटैच डॉक्यूमेंट में जाके आप यहाँ से भी आपका पान और आधार जो भी आपने फ़ोटो खींचा है वो सिलेक्ट करके फिर सिंपल आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच है ब्रांच लिख के सेंड कर देना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर से ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड यूजफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।